हेलो दोस्तों, के सेवन न्यूज के जरा बच के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रतिदिन हम जरा बच के कार्यक्रम में नए खबरों की पड़ताल करके आपके सामने लाकर जनता की आवाज बनते जा रहे हैं। लोग इस कार्यक्रम को खूब पसंद भी कर रहे हैं। आज हम नए भारत की बात करेंगे कि कैसे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जांबाज सैनिकों के लिए जो सामान हम दूसरे देशों से मंगाते थे, वह सामान हम खुद बनाएंगे। अक्सर कहा जाता था कि भारतीय सेना के युद्धक व मालवाहक विमान पुराने पड़ चुके हैं। निसंदेह वायुसेना और सेना को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन यह सुखद है कि देश में पहली बार एक स्वदेशी निजी कंपनी आत्मनिर्भर भारत अभियान को संबल देकर देश में सेना के लिए युद्ध विमानों का निर्माण करेगी। जब वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेस निश समकक्ष पेड्रो साचेद ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की बुनियाद रखी, तो निश्चित ही भारत एक नए युग में प्रवेश कर गया है। नए युग में प्रवेश कर रहा है। पहली बार कोई निजी कंपनी विमान निर्माण के क्षेत्र में कदम रख रही है, वह भी देश का भरोसेमंद और एयर इंडिया का उद्धार करने वाला टाटा समूह का उपक्रम है। निश्चित ही हमें इन इंडियास के संकल्प को हकीकत बनता देख रहे हैं। साथ ही हम उस दाग को भी धोने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसके बाबत कहा जाता था कि भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में शुमार है। उल्लेखनीय है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और स्पेन की एयरबस के संयुक्त उपक्रम में 40C-295 विमानों का निर्माण होगा। यह भी कि स्पेन व भारत के मध्य कुल 56 विमानों को लेकर समझौता हुआ है, जिसमें 16 तैयार विमान स्पेन से भारत को मिलने हैं। दरअसल C-295 विमान सैनिकों, साजो सामान तथा हथियारों को लाने ले जाने में खासा मददगार होता है। साथ ही यह छोटी हवाई पट्टी व दुर्गम इलाकों से भी उड़ान भर सकता है। यह अच्छी बात है कि बीते कुछ वर्षों में भारत सरकार ने उन्नत एवं तकनीकी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने को अपनी प्राथमिकता बनाया है, जिसमें रक्षा उत्पादनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, ग्रीन हाइड्रोजन तथा सेमीकंडक्टर का उत्पादन शामिल है। अपने इस अभियान में सरकार ने न केवल विदेशी निवेश को आमंत्रित किया है, बल्कि देश के निजी क्षेत्रों को भरपूर संसाधन व पर्याप्त मौके उपलब्ध कराए हैं। तय मानिए कि आने वाले कुछ ही वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ऐसी कोशिशों से जहां हम रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे, वहीं इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ऐसा करके हम न केवल अपने दुर्लभ विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकते हैं, बल्कि इन उत्पादनों के निर्यात की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं। यकीनन देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा संबल मिलेगा, इससे बहुत बल मिलेगा। बहरहाल यह तय है कि भारतीय सेना में C-295 विमानों के शामिल होने से हम
पुराने रूसी विमानों के जोखिम से भी बच सकेंगे। साथ ही सामरिक क्षेत्र में यह देश की बढ़त भी होगी, वहीं देश में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि देश में C-295 के निर्माण परियोजना से 3,000 प्रत्यक्ष और 15,000 परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा वडोदरा व उसके आसपास के इलाके की आर्थिक को नई गति मिलेगी। वहीं इन विमानों के उपयोग होने वाले स्वदेशी कलपुर्जों से भी विभिन्न आय के साधन विकसित होंगे। विगत वर्षों के अनुभव रहे कि भारत के मुश्किल वक्त में हथियार की आपूर्ति में विदेशी सरकारों ने मदद करने में आनाकानी की। ये आनाकानी की थी, लेकिन बहुत संभव है कि C-295 परियोजना की सफलता के बाद भारत रक्षा उत्पादनों के निर्यात में भागीदारी कर सकेगा। संभावना यह भी है कि कालांतर में ऐसी विशिष्ट उत्पादों के निर्माण की संस्कृति विकसित हो जो न केवल देश को हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाए, बल्कि भारत को तीनों सेनाओं का मनोबल भी ऊंचा करे। अंततः देश के समक्ष उत्पन्न किसी भी रक्षा चुनौती का सेना भी तत्परता से मुकाबला कर सकेगी। वैसे भी किसी देश की सेना की क्षमता का मूल्यांकन उसकी वायुसेना की ताकत और आधुनिक युद्धक विमानों की उपलब्धता से ही होता है। समय के साथ कदम ताल करते हुए आज किसी सेना की ताकत का मूल्यांकन आधुनिक तकनीकी और सजो सामान की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। हमारे पास कितने सामान उपलब्ध हैं इस बात पर भी निर्भर करता है कि भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। निसंदेह यह हमारी संप्रभुता को अक्षुण बनाएगा। अब हम रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, हम विमान बनाएंगे और भविष्य में हम निर्यात भी करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।